हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जानने वाले हैं रेल जॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि रेल जॉइंट्स होती क्या है। रेल जॉइंट्स बेसिकली, अगर आप किसी रेल को, आपने रेलवे स्टेशन गए होंगे, रेलवे स्टेशन में रेल वाला पार्ट कौन सा रहता है, ये वाला जो पार्ट रहता है इसी को हम कहते हैं रेल। ठीक है, अब हम रेलवे स्टेशन पे गए तो हमने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे जो रेल्स यहाँ पे बिछी हुई है उसमें बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन, कुछ ना कुछ कनेक्टिंग पॉइंट्स आपने देखेंगे, तो यही कहलाते हैं आपके रेल जॉइंट्स। अब मान के चल रहे हैं कि ये आपका रेल है ना। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ आप भोपाल से दिल्ली तक का हम एक ही अकेला सिंगल रेल बिछा दें, पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो क्या होगा, अलग अलग रेल्स को हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, और इंटर कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे तक का रेल हम बनाएंगे। तो इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग जॉइंट्स का यूज होता है, उसी को कहते हैं रेल जॉइंट्स। अब इनका रिक्वायरमेंट क्या है, क्या जरूरत है हमें ये सब करने की? तो सबसे पहली चीज कि एक रेल तो नहीं है तो रेल जॉइंट तो बनेंगे, ये तो कंफर्म है। अब सबसे मेन चीज हमें माइंड में रखना है कि डिसकंफर्टेबिलिटी नहीं होना चाहिए। तो जब हम हमारे रेल को एक दूसरे से जॉइंट करेंगे तो क्या करना होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट रिक्वायरमेंट क्या है कि एक दूसरे को अच्छे से होल्ड कर सकें। सेकंड, ये स्ट्रेंथनिंग दे सके। अब अगर आपका एक रेल, कई बार हम सुनने को मिलता है कि यहाँ पे रेगुलर मेंटेनेंस ना होने के कारण हमारी रेल पलट गई। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो रेल जॉइंट्स था, यहाँ पे हमने एक फिशर प्लेट लगाया, फिशर प्लेट लगाने के बाद इन दोनों को ज्वाइंट तो कर दिया, बट प्रॉपरली हमने इसका मेंटेनेंस नहीं करा, देखा नहीं इसमें स्क्रूज जो रहते हैं वो रेगुलर कसते रहते हैं। आपने देखे होंगे कुछ लोग इस तरीके का इक्विपमेंट लेकर के जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, और कहीं कहीं वो चेक करते रहते हैं कि हाँ यहाँ के जॉइंट ठीक है कि नहीं। तो ये रेगुलर इंस्पेक्शन इसलिए होता है क्योंकि अगर ये रेल के जो ये जो जॉइंट्स है अगर ये प्रॉपर नहीं रहे तो इसकी स्ट्रेंथनिंग पॉसिबल नहीं है। तो पहला पॉइंट होल्डिंग और दूसरा पॉइंट स्ट्रेंथनिंग। थर्ड पॉइंट इसका क्या है, अब देखो क्या होता है, ये बना है स्टेनलेस, इसमें भी स्टील का यूज हो रहा है, स्टील का यूज हो रहा है। अगर गर्म होगा, अगर मान के चलते हैं कि अगर ये मेरी रिंग है, अगर मैं इसको आग में डाल दूं तो क्या होगा, तपेगी, वो पिघलेगी है ना, एक्सपांड होगी। तो यहाँ पे हमें एक्सपांशन जॉइंट्स भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर गर्मी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं उसको स्पेस चाहिए एक्सपांड होने का, अगर ठंड पड़ रही है तो कहीं ना कहीं उसको कॉन्ट्रैक्ट होने का भी स्पेस चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे हमें एक्सपांशन जॉइंट्स भी देने पड़ेंगे, तब भी हमें जॉइंट्स की बात तब भी चल रही है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इसका सबसे ज्यादा क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी रेल है, इसमें से अगर ट्रेन जा रही है तो कुछ वियरिंग टियरिंग की इक्वेशंस बन सकती है। अगर आप बिल्कुल स्टिफ रखेंगे तो डिफ्लेक्शन होने के चांसेस है, क्योंकि आपको भी पता है बहुत ज्यादा जब हमारी ट्रेन चलती है तो उसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होने के कारण ऐसे चांसेस रहते हैं कि यहाँ पे वेयरिंग टेयरिंग के चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको फ्लेक्सिबल रखेंगे कि अगर कुछ वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो ये इसको एब्जॉर्ब कर सके। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो क्या है, आपकी इलास्टिसिटी को भी देता है। इलास्टिसिटी मतलब कि अगर आपका कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर मान के चलिए ये आपका बलून है, अगर मैंने इस बलून में हवा भरी, हवा भरने के बाद अब अगर मैं इसकी हवा को निकाल दूंगी तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लोडिंग लगा रही हूँ और लोडिंग लगाने के बाद अगर मैं लोडिंग को हटा रही हूँ तो ये अपने ओरिजिनल शेप पे आ सके, इसलिए इलास्टिसिटी के लिए भी हम यहाँ पे जॉइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ कॉस्ट का रिडक्शन भी होता है ना। जितनी लंबी आप रेल बनाएंगे उतना ज्यादा आपका कॉस्टिंग आएगी, उसको वहां से यहां तक लाने के लिए भी वो क्या हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। अगर आपको एक बड़ा सा ब्रिज, आजकल ब्रिज बनते हैं तो ब्रिज में आप देखते होंगे प्री कास्टिंग स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, छोटे छोटे से बॉक्स आ जाते हैं, उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है और कनेक्ट करके हम ब्रिज बना देते हैं। इसी तरीके से हम रेल्स को भी क्या करें, अलग अलग रेल्स को ले रहे हैं और इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट करके हम क्या बना रहे हैं, कंप्लीट रेल का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, तो कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इनमें कौन कौन से टाइप के जॉइंट्स होते हैं। तो कौन कौन से, एक तो सपोर्टेड जॉइंट होता है। सपोर्टेड जॉइंट मतलब क्या, मान करके चलिए
कि अगर हम यहाँ पे ये जो दो रेल्स हैं इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे लगा दी फिशर प्लेट और यहाँ पे हमने यूज कर दिया बोल्ट्स का, ऐसा इस तरीके का आपको एक स्ट्रक्चर दिखा होगा, है ना। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि ये जो प्लेट है ये प्लेट इससे भी कनेक्टेड है और ये प्लेट इससे भी कनेक्टेड है, ये इन दोनों को एक प्रॉपर पर्टिकुलर शेप दे सके, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, है ना। तो इसको अगर इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, इस तरीके का कोई अगर हम स्ट्रक्चर को बना रहे हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं, सपोर्टिंग रेल। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो रेल्स रहती है ये रेल्स ना खाली एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं प्लेट के थ्रू, बल्कि इसके साथ साथ हम इसे स्लीपर से भी कनेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो स्लीपर है स्लीपर में कुछ इस तरीके का स्टील स्ट्रक्चर लगा रहता है ऐसा, और ये जो स्टील स्ट्रक्चर लगा रहता है इसी से इस तरीके से हम क्या करते हैं हमारी जो भी मेन रेल है उसको कनेक्ट करते हैं, ऐसा देखा होगा। अगर नहीं देखा तो एक बार जाके विजिट करके आना और देख के आना कि क्या ऐसा है, और अगर ऐसा है तो इसी को हम क्या करें, कनेक्टिंग रेल्स। तो ये जनरली कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे भी रेल के एंड्स रहते हैं वहां पे इनको यूज करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सस्पेंडेड जॉइंट्स। अब सस्पेंडेड जॉइंट्स के बारे में जानते हैं, सस्पेंडेड जॉइंट्स कहाँ पे यूज होते हैं। तो सस्पेंडेड जॉइंट्स कहाँ यूज होंगे, मान लीजिए कि ये हमारा एक रेल है, जैसे कि अभी ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि आपने क्या करा है, दो रेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए आपने किसका यूज करा है, स्लीपर्स का यूज करा है। अभी सपोर्टेड में आजू बाजू थे, अब सस्पेंडेड में क्या हो रहा है, सपोर्टेड में आजू बाजू थे और इसके ऊपर स्लीपर के ऊपर रख रहे हो आप इसे, है ना। अब सस्पेंडेड में क्या हो रहा है कि आपने एक स्लीपर मान लीजिए यहाँ रख दिया, एक स्लीपर यहाँ रख दिया, है ना, और इन स्लीपर्स के ऊपर अब क्या कर रहे हैं, इन स्लीपर्स के ऊपर आपने रेल रखी और रेल को अलग अलग दो पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। पहले वाले में सपोर्टिंग में एक साथ कर रहे थे, सस्पेंडेड में आपने स्लीपर्स के ऊपर रेल रखा, रेल को क्या करा, अलग अलग क्या कर दिया, यहाँ पे सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सस्पेंडेड रेल्स। अब ये क्यों करा जाता है, इसको करने का क्या कारण है, ये भी जान लेते हैं, स्ट्रेटेजी जान लेते हैं। जब आपने एंड्स पे यहाँ पे ज्वाइंट करा, मतलब कि ये एक तरीके का फिक्स ज्वाइंट बना दिया आपने, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे फिक्स ज्वाइंट बना दिया मतलब कि आपको अब जब यहाँ पे ठीक है सपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली चीज ठीक है, ठीक है। तो दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि हमने पहली बार में क्या करा था, दोनों रेल्स को लिया, ये वाली रेल लिया ये वाली रेल लिया, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया था एंड पॉइंट से। तो जो एंड पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है उसको हम क्या कह रहे थे, आपका सपोर्टिंग कह रहे थे। सस्पेंडिंग क्या हो रहा है, मतलब कि आपने एक रेल लिए, एक स्लीपर ये लिया एक स्लीपर ये लिया, इसके ऊपर आपने रेल्स को रखा और एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब ये जो आप एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं इसको हम क्या कर रहे हैं, सस्पेंडेड, सस्पेंड हो रहा है ना, तो इसलिए हम इसको सस्पेंडेड कह रहे हैं। अब इसको समझते हैं कि उसमें और इसमें क्या अंतर था। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे सस्पेंशन दे रहे हैं तो ये वाला जो आपका, आपने छज्जा देखा होगा आपके घर में, है होगा सबके घर में, जाके एक बार छज्जे को देखना, अगर इसके आगे मैं टू बी कंटिन्यू करूंगी तो ये रेल कहीं और आगे तक जाएगी और यहाँ पे जो स्लीपर रहेगा इस स्लीपर से ये क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे बीच में कोई जॉइंट नहीं है, ये कंटिन्यूअसली चल रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला जॉइंट यहाँ खत्म हो गया और इसके बाद जो रेल जा रही है वो थोड़ी सी डिस्टेंस तक जा रही है। अगर ऐसा कंडीशन बन रही है तो इसी को हम कह रहे हैं कैंटिलीवर, यही क्या कहला रहा है, कैंटिलीवर। अगर कैंटिलीवर आ रहा है तो कैंटिलीवर में क्या होगा, इधर साइड भी कैंटिलीवर बन रहा है, इधर साइड भी कैंटिलीवर बन रहा है। तो ऐसी जो रेल्स या ऐसे जो कनेक्शंस रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सस्पेंडेड कनेक्शंस कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। अब ये तो हमने समझ लिया कि ठीक है ये सस्पेंडेड कनेक्शन है, वो सपोर्टेड कनेक्शन है, और अगर प्रैक्टिकली हम देखा जाए तो ज्यादातर आप लोग कहाँ कौन सा वाला कनेक्शन यूज करते हैं, आप लोग जनरली कौन सा, जो आपका एंड कनेक्शन जो सपोर्टेड कनेक्शन बोल रहे थे उसको यूज करते हैं। तो मैडम इसका क्या जरूरत है, ये कहाँ यूज होगा, आपने देखा होगा कि जहां पे कुछ जगह ऐसी रहती है जहां से रेल्स चेंज होती हैं, ऐसा कुछ देखा होगा आपने, ऐसा ऐसा कुछ देखा है,
नहीं देखा तो जाके देखना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से अगर ट्रैक चेंज करना है हमें रेल का, तो इस तरीके से ये रेल का ट्रैक चेंज होता है। तो जब ऐसा कोई पॉइंट देना है जहाँ पे हमारा रेल का ट्रैक चेंज हो रहा है, वहां पे हम लोग कौन सा वाला देंगे, कैंटिलीवर ही देंगे। वहां आपका सस्पेंशन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए हम यहाँ पे कैंटिलीवर देंगे, है ना, सपोर्टिंग या ब्रिज वाला नहीं देंगे। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट होता है हमारा ब्रिज ज्वाइंट। अब ब्रिज ज्वाइंट में क्या होता है, ब्रिज ज्वाइंट में ये होता है कि हम मान करके चल रहे हैं कि अगर आपकी एक रेल ये है, ठीक है, इसके बाद एक और रेल है, ये हमारी दो रेल्स है, ठीक है। अब इन दो रेल्स को हमें एक दूसरे से कनेक्ट करना है, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हो, तो अगर हम इस तरीके का यहाँ पे कोई ब्रिज या कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे देते हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, तो इसको हम कहते हैं आपका क्या, ब्रिज ज्वाइंट, ठीक है। अब अगर हम ब्रिज ज्वाइंट के बारे में जानना चाहें, तो ब्रिज ज्वाइंट जनरली कहाँ पे दिए जाते हैं, तो अगर आपको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग, अगर आपको यहाँ पे कोई भी सपोर्ट देना है जो इन दोनों से अलग है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रिज ज्वाइंट दे देंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप कोई एक्स्ट्रा स्लीपर्स नहीं दे रहे हैं, आप इस तरीके का एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां से क्या हो रहा है कि आप अगर यहाँ से ट्रेन ट्रेवल करके जाती है, तो ट्रेन ट्रेवल इजीली करके चली जाएगी, उसमें कोई भी आपका जर्क नहीं महसूस होगा उसको, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ब्रिज ज्वाइंट। अब ब्रिज ज्वाइंट, ये सारे ज्वाइंट्स तो हमने जान लिए, है ना। तो ये जो हमने बायफर्केशन करा था, ये किससे करा था कि हम किस तरीके से उसको ज्वाइंट कर रहे हैं, हमारे एंडिंग कंडीशंस क्या क्या होंगे और किस तरीके का हम सपोर्ट दे रहे हैं, उस हिसाब से हमने इनको क्या कर दिया था, बायफर्केट कर दिया था। अब इसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं किसके हिसाब से, आपके पोजीशनिंग के हिसाब से, तो इसको हम दो तरीके से बायफर्केट करते हैं। कौन कौन से दो तरीके होते हैं इसमें, पहला तरीका होता है आपका स्क्वायर और दूसरा होता है स्टेगर्ड। अब ये तो ठीक है, ये तो हमने जॉइंट्स की बात कर ली कि हमें इस तरीके से जॉइंट्स को देना है। अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए बहुत लंबा ट्रैक है, हमें भोपाल से जाना है, कहाँ तक जाना है, भोपाल से हमें जाना है बॉम्बे, तो भोपाल से बॉम्बे तक जा रहे हैं, तो हमें रेल्स पूरी तो जाएगी नहीं कंप्लीट, बीच में कहीं कहीं कनेक्शन देने होंगे। तो बीच में कहीं कहीं कनेक्शन देने हैं, तो एक आपकी मेन रेल होती है, एक आपकी चेक रेल होती है। अभी आगे समझेंगे हम मेन रेल क्या होती है, चेक रेल क्या होती है। तो एक आपकी ये वाली जो आपकी रेल है, मेन रेल उसे कहते हैं जो आपको गाइड करती है, जो हमारी ट्रेन का जो ट्रैक है, अगर वो उसको गाइड कर रही है ट्रेन को कि किस हिसाब से चलना है उसे, उसको हम मेन रेल कहते हैं। और चेक रेल उसकी जो सपोर्टिंग रेल रहती है, उसको हम चेक रेल कहते हैं। तो अब ये दो रेल्स हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने है ना, ठीक है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने, इसको भी जॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी और इसको भी जॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, दोनों को एक दूसरे से ज्वाइन करना है। और तो यहाँ पे भी कुछ जॉइंट्स आएंगे और नीचे वाली रेल में भी कुछ जॉइंट्स आएंगे, ऑब्वियस सी बात है आएंगे। तो हम जब हम कास्टिंग कर रहे थे और जब हम रेल को बना रहे थे, तो हम कास्टिंग करते टाइम और रेल को बनाते टाइम हमने एक फिक्स्ड लेंथ यहाँ पे डिसाइड कर ली कि ये फिक्स्ड लेंथ है। अगर हमने एक फिक्स्ड लेंथ डिसाइड कर ली, तो हमारे पास इतनी बड़ी रेल है, इसकी इससे ज्यादा बड़ी तो है नहीं, तो यहाँ पे भी जो आप रेल डालेंगे वो आपका इनिशियल जो पॉइंट है वहां से फिक्स पॉइंट पे क्या आ जाएगा, दूसरा वाला रेल आ जाएगा। अब इसको आप दूसरी रेल से कनेक्ट कर देंगे, इसी तरीके से हम टू भी कंटिन्यू करेंगे। मतलब कि फिक्स्ड डिस्टेंस पे अगर आप किसी चीज को कनेक्ट कर रहे हैं, रेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको। अब मान के चलिए कि अब ये तो फ्लैट में आप पॉसिबिलिटी है हमारी, है ना, अगर फ्लैट रेल है तो उसमें तो पॉसिबिलिटी है। अब मान करके चल रहे हैं कि ये वाली कंडीशन बनी रही है, अब क्या आ गया, फ्लैट की जगह हमारा कर्व आ गया। अब अगर हमारा कर्व आ गया, तो कर्विकल पार्ट में क्या होगा, हम कुछ इस तरीके से जाएंगे, है ना। अभी भी लेंथ हमारी एक सी है, ऐसा नहीं है कि हम कास्टिंग कर रहे हैं तो अलग अलग लेंथ की कर रहे होंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, अभी भी हमारा मेन रेल है, चेक रेल है। अब मेन रेल चेक रेल कहाँ चला गया, स्लोपिंग पोजीशन पे चला गया। अगर स्लोपिंग पोजीशन पे चला गया, तो आपको भी दिख रहा होगा इसमें जो लेंथ का रिक्वायरमेंट है वो इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है।
अगर इसके कंपैरिजन में इसका लेंथ कम है तो क्या होगा? ये वाला जो ये लंबा पाथ चलना है, लंबा डिस्टेंस कवर करना है, तो ये क्या होगा, मान लीजिए यहां तक गया, ये कहां तक गया, यहां तक गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें वही डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा क्योंकि रेल का साइज ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो ये वाला जॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। ये वाला जॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। अब हम इसको ट्रैक नहीं कर सकते। कैसे ट्रैक करोगे, कोई आपका जो कर्विकल पाथ है तो उसको ट्रैक नहीं कर सकते, उसकी लेंथ को ट्रैक नहीं कर सकते, उसके हिसाब से आप बना नहीं सकते फैक्ट्री में, वो तो स्टैंडर्ड साइज के बन के आ रहे हैं। तो अगर स्टैगर्ड मतलब एक सिंगल पोजिशन पे दिख रहा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, अलग अलग बिखरा हुआ है, तो अगर ऐसा कोई पोजीशनिंग बन रही है, ऐसा कोई कनेक्शन बन रहा है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, स्टैगर्ड कह रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरा रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से, और इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। तो अगर हम टाइप्स ऑफ रेल जॉइंट के बारे में बात करें, तो सबसे पहला हमने देखा था आपका सपोर्टेड। तो सपोर्टेड वाले में क्या हो रहा था, सपोर्टेड वाले में ये दोनों को हम एक फ्लैश प्लेट से जॉइंट कर दे रहे थे, और ये जो आपका स्लीपर है ये बिल्कुल आपके रेल जो है बिल्कुल एंडिंग से सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम सपोर्ट दे रहे हैं, तो ये सपोर्टेड हो गया। सस्पेंडेड में क्या करा था हमने, कैंटिलीवर एक्शन करा था, कुछ लटक रहा था, तो ये सस्पेंडेड पोजीशन में था, तो हमने इसको सस्पेंडेड कह दिया, है ना। इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था हमारा ब्रिज जॉइंट। ब्रिज जॉइंट में हम डिसकम्फर्ट नहीं क्रिएट करना चाह रहे थे, तो हमने एक यहाँ पे कनेक्टिंग पॉइंट दे दिया, तो इससे हमें क्या, यहां से जो भी रेल जाएगी कंफर्टेबली चली जाएगी और यहाँ पे कोई भी अंड्यूलेशन नहीं क्रिएट होगा। तो इस तरीके का आप देख रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रिज। अब इसके बाद हमने बाइफर्केशन करा किसके अकॉर्डिंग, ये जो बाइफर्केशन हो रहा है ये पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो दो ही पोजीशन बनती है, या तो रेल सीधी सीधी जाएगी या तो वो कर्विकल जाएगी। अगर सीधी सीधी जाएगी तो एक दूसरे के सामने ही जॉइंट्स आएंगे, एक दूसरे के सामने जॉइंट्स आएंगे, तो इसको हम क्या करें, ये कैसा स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो सकता है कि कर्विकल जाए, कर्विकल में क्या होगा, एक पॉइंट हमारे यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, अलग अलग पॉइंट पे है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, स्टैगर्ड कह रहे हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में और इसके बारे में जानेंगे, मेन रेल चेक रेल क्या होती है। थैंक यू।